मंत्र जाप मृत्यु को भी टाले, हर संकट पल भर में हर डाले। मंत्रों की शक्ति से अब गूंज उठेगा सारा संसार, दुख दर्द पाप विनाश और अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ज्ञान। अब ज्ञान के परोधा ने धाम मंत्रों की मशाल हाथ में ले लिया ब्रह्मांड को उजियारा करने का मुकाम। मंत्र हीलिंग वो चमत्कारी आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती हैं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव। आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरु जी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका, निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। ओ भाई की हाल है शेरिया? ओ संतिया की गल, नवा ट्रक नवे कपड़े, आज खुशी बड़ा नजर आ रहे हैं। पहले तो बड़ा दुखी नजर आना सी। हाँ यार, पहला तो मेरा आत्महत्या करने जी करता सी। मेरा मालिक मैनु बड़ा डांटता सीगा ते मैनु पैसे ही पूरे नहीं देंदा सी। फिर एक दिन मैं परम गुरु आशु भाई गुरु जी को गया तो फिर की होया? उन्होंने मेरी सारी परेशानी सुन के मैनु आ रतन दिता। फिर की सी, अज मेरे को नवा ट्रक नवे कपड़े ते मेरे को पैसा भी बहुत है। वाह भाई वाह, मैनु नजर आशु भाई गुरु जी को। क्यों नहीं वीरे, तेनू भी मैं ले चलना आशु भाई गुरु जी दे कोल, ओ सारे ने कष्ट मिटा देंदे ने। आशु भाई गुरु जी की कृपा नाल अज मेरे को ट्रक कपड़े पैसा सब कुछ हो गया। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ आपका स्वागत है। और दोस्तों, आपके स्वागत में हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो बिल्कुल विशेष हैं। आइए फिर उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप जानते भी हैं शायद नहीं भी जानते। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो ग्रह है वो है वीनस, और इस ग्रह का जो प्रभाव है वो इतनी जल्दी आपके लाइफ पर होता है कि अगर बच्चे का वीनस तगड़ा है ना, अच्छा है, शुक्र पर्वत अच्छा है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बचपन से ही कहते हैं कि ये तो कन्हैया वास कर गए हैं। कहने का मतलब है उसका देखने का तरीका, उसका डांस करने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका सब तरीका जो है सबको अच्छा लगता है। और आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा जो प्रिय है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, जिसका आप कहते हैं ना कि भाई हमारे ख़ानदान में इसने नाम रोशन किया, हमारी फैमिली में सबसे अच्छा ये है, हमारी फैमिली में सबसे तरक्की वाला ये है, ये सब जो गुण हैं ये शुक्र में हैं। और शुक्र संतान की उत्पत्ति का आग्रह भी है, और शुक्र आपके जीवन में आपके तेजस्व का, आपके तेज का, आपके व्यक्तित्व की पहचान का भी ग्रह है। चलिए आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ पर है और उसके आपके हाथ में होने से क्या बिजनेस हो सकते हैं और क्या क्या आपकी लाइफ में इसके फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये वाला जो माउंट्स है अंगूठे के ठीक नीचे, ये शुक्र है। और अंगूठे के ठीक नीचे जो ये पर्वत है शुक्र है, यही आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह है। अगर ये आपके हाथ में ऊंचा है तो आपको ज़्यादातर पिंक कपड़े पहनने हैं, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, ज़्यादातर हल्के से
गुलाबी जैसे कहते हैं ना बेबी पिंक, ऐसे कपड़े पहने हैं। ज़्यादातर गुलाब जैसी चीज़ों से प्यार रहेगा, सुगंधों से प्यार रहेगा, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रभावशाली रहेंगी, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको पता भी है और नहीं भी पता है। अगर इस पर बहुत अधिक रेखाएं हैं और रेखाओं के माध्यम से आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर जाल बना हुआ है, आपके इस माउंट पर अगर बहुत सारी रेखाएं हैं और उसमें जाल बना हुआ है, काटा काटा बना हुआ है ऐसे 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 ऐसे, और उसमें कहीं पर बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ है, तो जेल यात्रा संभव है। ध्यान रखना, आपको जेल जाने का योग बनता है। और यहाँ पर अगर काटा है और काटा जो है आपके हाथ में इस तरह का क्रॉस है, तो इसका मतलब ये है आप मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे जानकार हैं। अगर इसमें एक रेखा यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो ये रेखा ये बताती है आप इतने लोकप्रिय हैं कि लोग हमेशा जुबान पर आपका नाम रखते हैं। और इसी रेखा पर यहाँ से एक रेखा यूँ निकल कर आए और वापस चली जाए, तो फांसी की सजा का योग बनता है। आपके हाथ में शुक्र अगर मजबूत है और शुक्र पर रेखाएं कम हैं और शुक्र को आपकी जीवन रेखा घेरती है, तो आप जानते हैं क्या होता है, आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत माहौल बनता है। यानी कि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर जैसे कोई पर्वतीय इलाका है, जैसे नैनीताल है, जैसे मसूरी है, जैसे हिमाचल है, जहाँ पर पहाड़ हैं, जहाँ पर हसीन वादियाँ हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर बहुत अच्छा पर्यावरण से निपटारा पाने का योग है, ऐसे जगह पर आपका निवास स्थान है। और ऐसे जगह पर आपका निवास स्थान है जहाँ पर आपके जीवन में आपको खुशहाली, खुशियाँ, अच्छा स्वास्थ्य महसूस होता है। चलिए दोस्तों और बताते हैं, अगर कोई भी रेखा अंगूठे से निकलकर जीवन रेखा तक जाए, कमाल की बात है, ध्यान से देखिए, कोई भी रेखा अंगूठे के मूल से लेकर निकलकर आपके शुक्र पर्वत तक जाती हो, तो इसका मतलब है भयंकर परेशानी उस लाइफ में आपको मिलती है। एक बार देखें जरा, फिर से देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर आपके हाथ में ये मूल है अंगूठे की जड़ के पास से, यहाँ से अगर कोई भी रेखा आपके हाथ में ऐसे जाती है और जीवन रेखा को छूती है, देखो परेशानियाँ तो जितनी आपके हाथ में अंगूठे के नीचे छोटी छोटी रेखाएँ हैं, ये सब परेशानियों की रेखाएँ हैं। ये परेशानियाँ आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो परेशानी जो आपके हाथ में यहाँ से रेखा निकले और आपकी लाइफ लाइन को टच करके बाहर हो जाए, ऐसी रेखा आपको बताती है कि आपके जीवन में इतनी दुखद प्रॉब्लम आएगी कि आप जीवन भर याद रखेंगे, वो बहुत मोटी परेशानी आएगी। और छोटी छोटी जो परेशानी आएंगी उन्हें आप सॉल्व करते चले जाएंगे, उनको आप अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में आपको टेंशन नहीं देंगे। लेकिन अगर ये बहुत सारे हैं तो बस समझ लो जीवन जो है अब बिल्कुल ही ख़राब है, और जीवन में जो भी अच्छे योग है वो सब कट जाते हैं। जिन लोगों के हाथ में शुक्र पर्वत अच्छा होता है, अंगूठा मांस रहित होता है, अंगूठा सबल होता है, ऐसे लोगों की लाइफ में प्रेमिकाएं बहुत होती हैं, उन्हें चाहने वाली बहुत होती हैं। और अगर कोई लड़की का हाथ है तो उसे चाहने वाले बहुत मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है अगर किसी के हाथ में हथेली जो है वो काली काली सी हो, ज़्यादा शुभ हथेली नहीं मानी जाती, ना उसके पास धन रहता है, ना उसके पास प्यार रहता है, ना उसके पास विद्या रहती है, यानी कि हाथ का अच्छा होना लाल माना जाता है। रेडिस हाथ है तो आप शुभ हैं, और अगर आपका हाथ शुभ नहीं है तो आप क्या करें, आपको क्या करना है, आपको केसर लेना है और शुक्रवार के दिन केसर को पानी में घोल के ऐसे ऐसे करना है, आपके जो हाथ की रेखाएं हैं लाल हो जाएंगे और आपका कार्यवाही अच्छी हो जाएगी और आपके जीवन में कृपा आनी शुरू हो जाएगी। याद रखें दोस्तों, जिनके हाथ में हस्तरेखा काली काली होती हैं, सांवले रंग की होती हैं, किसी भी कारण से उनकी लाइफ में बीमारियों के कष्ट बहुत होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार हों, उनकी पत्नी बीमार, उनके पिता बीमार, उनकी माता बीमार, उनकी दादी बीमार, दादा बीमार, कोई ना कोई ऐसा प्राणी बीमार है
जिसके चक्कर में भाग दौड़ लगी रहती है, ले दवाई लिया, ले दवाई लिया, ले टेस्ट करवा ले, ले डॉक्टर को बुला ले, ले फलाने के ले जा, बहुत सारी समस्याएं। और बहुत सारी समस्याओं के एक समाधान है कि आप शुक्र को अच्छे से व्यतीत करो, शुक्र को अच्छे से प्रभाव मिलाओ, शुक्रवार के उपवास रखो, शुक्रवार को खांड का बूरा का दान करो। अगर आपके जीवन में एक और बात है कि अगर आप अच्छे पैसे वाले हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप एक डायमंड ज़रूर पहनो। आपने पहले देखा होगा राजा महाराजा और बहुत लोग जो अच्छे होते थे वो हीरा ज़रूर पहनते थे, क्योंकि हीरा है सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, और हीरा आपको जवान रखने में बहुत मदद करता है। जो लोग हीरा पहनते हैं उनकी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, हंसमुख स्वभाव के रहते हैं, धनवान रहते हैं, कहीं ना कहीं से धन के सोर्सेस बने रहते हैं। कहा जाता है हीरा अगर अंगूठी में पहना जाए तो शुभ होता है, गले में पहना जाए तो महाशुभ होता है, और कानों में पहना जाए तो उसकी तो बात ही क्या है। पहले राजा महाराजा कान में, महारानियां कान में, हाथ में, और आजकल तो चूड़ियां भी डायमंड की हो सकती हैं, और चूड़ियां जो कलाई में पहनी जाती हैं उससे उसके सुहाग में हमेशा खुशबू रहती है, उसका सुहाग जो है प्रसन्न चित रहता है, और दोनों के प्रेम प्यार की कहानी अच्छी और लाइफ टाइम बनी रहती है। देखो दोस्तों, एक बात और है, आजकल तो घड़ियां भी डायमंड की आ गई हैं, उसमें भी छोटे छोटे डायमंड लगे होते हैं, और कहा जाता है अगर आपके घर पास घड़ी है और उसमें हीरे लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है आपका जो टाइम है बेहद कीमती है, यानी कि आप कीमती वक्त को गुजार रहे हैं, और आपका कीमती वक्त आपको कहीं ना कहीं से अच्छी कीमतें दिलवाता रहेगा। चलिए दोस्तों, ये तो रही शुक्र की बात, और शुक्र के साथ रही एक डायमंड की बात, और उसके साथ रही आचार विचार की बात। चलिए अब हम देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं और क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटी प्रणाम, अपना पूरा नाम बताएं और उम्र बताएं क्या है आपकी। गुरुजी मेरा नाम रश्मि है और 44 साल मेरी उम्र है। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप क्या जानना चाहेंगे। गुरुजी हम अपने रहने के पर्पज से कोई प्लॉट ढूंढ रहे हैं या कोई बना हुआ मकान, तो गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा कब तक मिल जाएगा। गुरुजी सबसे पहले आप अपने पति का नाम बताएं। गुरुजी रमन अरोड़ा। क्या करते हैं। गुरुजी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, अभी जो मकान में रह रहे हैं वो अपना मकान है या किराए का मकान है। गुरुजी अपना है, ये छोटा है तो बड़ा लेना चाह रहे हैं। गुरुजी ठीक है, कितना बड़ा लेना चाहते हैं आप। गुरुजी 200 गज का लेना चाहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी थोड़े दिन पहले भी आपसे हमारी बात हुई थी, है ना। जी गुरुजी। तो मैंने आपको बताया था कोई मकान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपने वो देखा था क्या हुआ उसमें, क्या दिक्कत आई। एक पड़ोस में मकान बताया था, एक आपने बताया था कि थोड़ा सा पास में है, तो एक आप बेचना नहीं, चाहते नहीं, थे नहीं, नहीं गुरुजी। एक तो आप बेचना चाहते थे ना, कोई ऐसा मकान था जिसे आप बेचना चाहते थे। हाँ जी गुरु जी, हम ये छोटा है इसको बेचना चाहते हैं और बड़ा लेना चाहते हैं। गुरु जी कोई प्लॉट या बना हुआ मिल जाए। गुरु जी ठीक है बेटी, एक बात मुझे बताओ, जो तेरे सिर के बाल हैं वो कंधे से बड़े हैं या छोटे हैं। गुरु जी कंधे से थोड़े से बड़े हैं। और ये भी बताओ कि ये सब बातें आप कब से सोच रहे हैं, कब से प्लान बना रहे हैं कि भाई हम मकान बदल दें, मकान बड़ा ले लें, ये बताएं आप। गुरु जी 15-20 दिन से। 15-20 दिन से। देखिए मकान तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि भाग दौड़ बड़ी करनी पड़ेगी, और भाग दौड़ बोलने तो ऐसा है कि ये समझो कि मकान तो देख भी लिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि गृह क्या कहते हैं, क्योंकि कहने का मतलब ये है हो सकता है मकान बदलते ही किस्मत बदल जाए, और किस्मत जो बदलेगी उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस भी ऐसे ऐसे आएंगे कि कई बार लगेगा कि हमने अच्छा निर्णय लिया, कई बार लगेगा कि हमने गलत निर्णय लिया। जी अब तो मैं पहले आपको एक बात और भी बता दूं कि देखो अगर आप इसको ही बेच के लेना चाहते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, और अगर आप दूसरा अपनी तरफ से लेना चाहते हैं, यानी कि और कुछ बजट है या कहीं और से कुछ बेचा है,
तो फिर आप ले सकते हैं, फिर जल्दी काम बनेगा। हाँ जी गुरु जी, हमारा एक प्लॉट भी पड़ा है तो उसको सेल करके लेना चाहते हैं गुरु जी, वो रोड छोटी है तो हम सोच रहे हैं उसको बेच के उसके पैसे से ले लेंगे जी। ठीक है, तो वो तो बिक जाना चाहिए था, क्या उसका कोई ग्राहक आया आपके पास? गुरु जी हम लोग जैसे 60 मांगते हैं तो अभी 60 का तो कोई नहीं आया गुरु जी। महंगाई का दौर है, बीमारियां चल रही हैं, अब तो मुश्किल ही है, अब तो मुंह मांगा रेट कहाँ मिलेगा बेटी। जी जी अब तो थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, और समझौता नहीं करेंगे तो दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। जी गुरु जी। मैं चाहता हूँ कि आप ना एक उपाय करें, उपाय मैं आपको हाँ जी बताता गुरु हूँ। एक ईंट ले लें नई, जी ईंट को दूध से धो लें, जी दूध से धोने के बाद उस पर आप डेली एक दिया जलाएं, गूंधे हुए आटे का दिया जलाएं, और ये कम से कम 41 डेज जलाना है। जी गुरु जी। उस दिनों में ही कार्यवाही हो जाएगी, और बिल्कुल नहा धोकर सुच्चे मुंह जलाना है, कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी खाना है तो दिया जलाने के बाद खाना है। जी गुरु जी। चाहे वो दिया 10 मिनट में बुझ जाए, चाहे 15 मिनट में बुझ जाए, बस ये ध्यान रखना कि वो दिया आपने एक बार जलाना है, बुझ जाए चाहे वो 5 मिनट में, बुझ जाए चाहे वो 1 घंटे में, तो ये आपने ध्यान रखना है। जी गुरु जी। अच्छा एक बात बताओ, कुछ गुड लक्षण हो रहा है क्या आपका? जैसे औरत के कहते हैं कि राइट वाली आंख जी बुरी गुरु जी, होती कल है। मेरी ना लेफ्ट और होठ के ऊपर फड़क रहा था, काफी देर फड़क रहा है गुरु जी बेहद कल शुभ दोपहर है। में। तो कल कोई प्लाट को देखने आया था, कोई बात हुई थी क्या, कुछ नया कुछ सोचा है? गुरु जी प्लॉट का तो अभी नहीं है, पर गुरु जी हम ना एक यहाँ सिटी वन है वहां पे एक मकान देख के आए थे, हम देखने गए थे तो उसका नंबर 4 था, तो वहाँ एक लेडीज खड़ी थी तो वो कह रही थी कि वो 3 नंबर में किराए पे रहती थी तो वो कह रही थी कि ये भी बिक रहा है, तो हम लोग उनमें से ही कोई लेने की सोच रहे थे कि तो क्या गुरु जी ठीक रहेगा वहाँ सिटी वन। देखो ये जो साल है 2022 है, जी गुरु और जी 22 का मतलब होता है 2 और 2 4, और जी गुरु जी 4 का राशि के हिसाब से बढ़िया चल रहा है। 4 जी गुरु की जी बात बोलें तो 4 में राहु बनता है, और राहु जो है बहुत कुछ देकर जाएगा, आपकी राशि पर राहु सूट करता है। जी गुरु जी तो बस एक काम का ध्यान रखें कि जब आप नया मकान में एंटर कर जाएं या उसे खरीद लें, तो उसका कोई फंक्शन ना मनाएं, जी गुरु जी और उस मकान के अंदर एक फिश एक्वेरियम जरूर रखें, मछलियों का पॉट रखें, जिसमें कम से कम 11 मछलियां होनी चाहिए, और 11 के 11 सांवली सुरमई कलर की मछलियां होनी चाहिए। जी गुरु जी। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, आपको स्वप्न में ना पानी या मछली जरूर नजर आएगी, ध्यान रखना मेरी बात को। जी गुरु जी। जब ऐसा नजर आए तो समझना है ये साल लगते ही हमारे लिए शुभ रहा है। जी गुरु इस जी। साल के जितने भी दिन गए हैं वो ठीक ही गए हैं, ऐसा कुछ बुरा आपके घर में नहीं हुआ। हाँ जी गुरु जी। और परमात्मा की दया से जब 15 तारीख आ जाएगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बस आधा ये जनवरी जाने के बाद आपके लाइफ में सब गुड लक है, अच्छा ही अच्छा है। क्योंकि एक बात जान लो, अच्छा तो बहुत नज़दीक है आपकी लाइफ में, और वो भी इतना अच्छा है कि जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना, सोचते ही काम बन गया। और जब ऐसा जीवन में हो कि सोचते ही काम बन गया, तो इसका मतलब है कि जीवन में ओके रिपोर्ट चल रही है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, एक बात बताइए कि घर में पिछले 7 दिन के बीच में कोई किसी बात को लेकर घर में मनमुटाव हुआ था क्या बेटा? गुरु जी, अपने घर में हम फैमिली में अपने घर में किसी बात को लेकर मन में कुछ ओछापन आया था, कोई मनमुटाव हुआ था क्या बेटी? नहीं गुरु जी, बस वही ऐसा तो कुछ नहीं है, बस वही लेने की सोच रहे थे, वही बातें हो रही थी कल से गुरु जी। ये तो मनमुटाव वाली बात नहीं है, मनमुटाव होती है किसी गलतफहमी में कोई बात मुंह से निकल जाए, किसी के बारे में कुछ शक पैदा हो जाए, किसी बात को लेकर घर में अड़चन पैदा हो हाँ जाए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी यही बोल रहा था बेटा मैं। तो इसको ठीक जी करने के जी लिए एक बात और सुन ले, ये बता बेटी तू खाना खाते है, जब खाते खाते तेरा गला वो गाल कट जाता है क्या? कैसे खाना खाती हूँ तो खाना गुरु जी फंदा।
खाना खाते खाते कभी कभी गाल जो है दांत के बीच में आ जाए, ऐसा हुआ क्या? नहीं गुरुजी, नहीं। ठीक है, एक बात बता बेटी, तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं क्या? नहीं गुरुजी। तो तू ये बता बेटा, जब तू सांस लेती है तो क्या तेरी सांस से आवाज आती है क्या, जैसे ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हो जाता है। ओके, एक बात बता बेटी, तेरे पाँव के तलवों में कभी कभी ऐसे लगता है जैसे सुई सी चुभ रही है, या कभी सुन हो जाते हैं? हाँ ऐसा तो हो जाता है गुरुजी। एक तो बेटी तू सलाद जरूर खाया कर, सलाद खाया कर जी गुरुजी। और एक बेटी पराठे मत खाया कर, तुझे पराठा खाना बैन है। ठीक है गुरुजी। एक कभी कभी ना तू कच्चे दूध से, कच्चे दूध के बीच में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ग्लिसरीन, थोड़ा चुकंदर का रस मिला के रगड़ रगड़ के अपने चेहरे को धोया कर, ठीक है। तेरा चेहरा ना मुलायम हो जाएगा, नहीं तो तेरा चेहरा ना खुरखुरा सा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कुरकुरा सा हो रहा है, जी गुरुजी। जबकि है नहीं, महसूस होगा, ड्राई स्किन होनी शुरू हो जाएगी। और ड्राई स्किन के लिए बहुत सारी क्रीमें आती हैं, लेकिन तुझे क्रीम नहीं लगानी है। जी गुरुजी। अच्छा एक और बात है बेटी, तेरा पेट फूलना शुरू हो जाएगा, तुझे ध्यान रखना है। जी गुरुजी। और पेट भी ऐसे फूलेगा, ले कुछ भी खाओगे ना गलत, जैसे जो पता लगे कि ये गलत खा लिया, तो बस समय तो ऐसा लगेगा जैसे 10-12 दिन पेट में जैसे हाँ गैस जी बन गुरुजी, ऐसा गया। ही हो रहा है। हाँ एक उपाय बता दूँ बड़ा टल्लीदार, जी गुरुजी। पहले ये बताओ तेरी माँ के पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं था, पर है नहीं इस समय से। कोई बात नहीं, जब थी तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो कि उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी क्या, गोड़ों में जैसे आवाज आती थी क्या चटक चटक की? नहीं गुरुजी, दर्द होती थी वैसे, बुढ़ापे की वजह से वैसे आवाज तो नहीं आती थी गुरुजी। तेरे तो आनी शुरू हो जाएगी जल्दी में ही, जैसे पौड़ियाँ चढ़ेंगे तो लगेगा चट चट की आवाज़ आ रही है। अच्छा गुरुजी। पर कमजोरी कुछ नहीं है, पर तेरी जो नसें है ना, जैसे पैर उखाड़ के देखेंगे तो लगेगा नीली नीली नसें ना ऊपर से नजर आ रही है। हाँ जी गुरुजी, ऐसा तो है। तो देखो ये वैसे बीमारी तो कुछ नहीं है, लेकिन बीमारी के संकेत जरूर हैं। तो आपने क्या करना है जी। बेटा, नहाने से पहले ना थोड़ा सा तेल मलना है शरीर पर, सरसों का तेल, जी और गुरुजी। उसके बाद बेटे गर्म पानी से नहाना है, जैसे शरीर को ना सेक मिले, ठीक है और गुरुजी। ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं, टाइट कपड़े पहनने हैं। ढीले कपड़े पहनने से क्या नुकसान है, आदमी की सोच ही ढीली हो जाती है। जैसे आप जो देखोगे कुर्ता पजामा पहनते, गांव के लोग कुर्ते पजामा पहनते या धोती पहनते, तो क्या अरे कर लेंगे, अरे कर आएंगे, अरे अभी क्या जल्दी है ऐसे। और जो चुस्त कपड़े पहनते हैं, जैसे जिम वगैरह करते हैं, जो योगा वगैरह करते हैं, तो वो करते ही हैं, वो तो पहनते कपड़े तो करना ही है। और टाइट कपड़े पहनने वाले भी एक्टिव रहते हैं, उनके अंदर एक्टिवेशन रहती है, तुरंत काम कर दिया, तुरंत भाग दौड़ कर ली, तुरंत कहीं चले गए, ऐसे 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 उनके मन में ख्याल रहते हैं। जी गुरुजी। हाँ एक बात और बोलूँगा, बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बोलिए गुरुजी। कोई घर में कांटेदार पेड़ लगाया हुआ है क्या, या पौधा लगाया हुआ है क्या आपने कांटेदार? नहीं गुरुजी। तो कांटेदार कोई चीज़ रखी है क्या, जिसमें जैसे कांटे कांटे से होते हैं, ऐसी कोई चीज़ घर में पड़ी है क्या, बहुत बहुत टाइम से पड़ी है क्या, ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं गुरुजी। किसी काम के लिए तार मंगवाई हो, जैसे कटीली तार होती है वो घर में पड़ी हो, या किसी काम के लिए कोई चीज़ मंगवाई हो वो यूज ही ना की हो? ध्यान नहीं गुरुजी कुछ ऐसा। तुम्हारे घर में परछत्ती जैसे होते हैं ना, छत के नीचे एक परछत्ती होती है, उसके अंदर कुछ हाँ वेस्ट जी, हाँ सामान जी। पड़ा है, अच्छा गुरुजी। और वो वेस्ट सामान भी ऐसे है, मतलब जैसे कहने का मतलब है ना काम का है ना फेंकने का है, मतलब ना रखने का है ना फेंकने का है ना काम का है, ऐसा कुछ सामान पड़ा है। अच्छा गुरुजी, हटा उसमें दूंगी। एक डिब्बा पड़ा है कागज का, उसके बीच में कीले पड़ी है, जैसे कीले नहीं होते बेकार की रखते थे, ऐसी जी जी कीले जी हैं। जी वो तो है हेलो, जी गुरुजी। और एक बात मैं और बता दूं कि जो आपका मेन गेट है ना, वो आपको खैर आप तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ोगे तो इसको चेंज कराना पड़ेगा। गुरुजी उसमें क्या कमी है? उसमें तो सारी ही कमी है बेटा, अच्छा गुरुजी। ये समझ लो कि वो तो अच्छे ग्रहों को पकड़ के बाहर ही फेंक देता है, मतलब ये समझो कि उम्मीद है घर में 1 लाख रुपया आएगा, और घर में आते 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 10,000 आते, क्या हुआ 90 खर्च हो गए। अरे जी और गुरुजी। एक बात और है बेटा, घर के अंदर जी गुरुजी। ना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, जी। लेकिन पता नहीं क्या बात है घर में ना रोशनी नहीं है, कम रोशनी है,
डार्कनेस ज्यादा है और खाने पीने की डार्कनेस है, ऐसा है गुरुजी। हाँ तो बेटा इसलिए इस घर को छोड़ना बहुत जरूरी है और रोशनी वाला घर लेना है जिसमें वेंटिलेशन ज्यादा हो। तो गुरुजी जैसे हमने 3 और 4 नंबर देखा है और सिटी वन है तो ये ठीक रहेगा गुरुजी? हाँ 4 नंबर तो बेस्ट है। 4 बोलते ही तो मैंने आपको बताया था कि राहु अच्छा होता है, ये होता है, ऐसे राहु से बहुत सारे लाभ होते हैं। राहु जो है हमारे घर में धन का लाभ पहुँचाता है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन को सबसे बेस्ट देता है, बिजनेस देता है, मन की प्राप्ति देता है और अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट देता है, समझ गई? तो गुरुजी ये नॉर्थ फेस का है गुरुजी और 4 नंबर है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो कह रहे हैं कि कंपनी से हम तैयार करवा के देंगे या आप लोग तैयार करवा लेना, तो गुरुजी ये ले लें, आपकी आज्ञा है? ये तो लेना है, ले लो, ये तो तुम्हारे लिए ही है, ये तो नए साल की एक शुभ बधाई है, जैसे कहते हैं ना कि गुड लक है। जी जी इसको तो चाहे आप अच्छे से देखो, उसको ले लो, बस उसमें एक बात देख लेना कि गहराई ना हो, जैसे 20 मिनट है तो फिर नहीं लेना है। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी हमारा घर का मंदिर ठीक है? तेरे घर का मंदिर बेटे लकड़ी का है कि उसका है, क्या गुरुजी पत्थर का? पत्थर का है गुरुजी। पत्थर का पूरा वाइट पत्थर है या थोड़ा सा कहीं पे ब्लैक पत्थर है? वाइट है गुरुजी, ठीक। हल्का हल्का ग्रीनिश जैसे बीच में होता है पत्थर में। ये मंदिर कोई देखे गया था या तुम खरीद के लाए थे? नहीं गुरुजी हल्द्वानी से ही खरीदा था। एक तो ये पत्थर ना शुरू से ही जो ये मंदिर बना हुआ है इसमें एक जगह पर ना टुकड़ा लगा हुआ है, जैसे खंडित हो जाता है ना कुछ, ऐसे टुकड़ा लगा हुआ है अंदर से, अच्छा गुरुजी तुमने ध्यान से देखा नहीं, और वो टुकड़ा भी ना ऊपर की तरफ लगा हुआ है, नीचे की तरफ नहीं लगा हुआ है। हाँ जी गुरुजी। बस वो टुकड़ा ही गलत लगा हुआ है, वो मन को ना उच्चाट करता है, जैसे कहते हैं ना कि मन को दूर भगाता है, जैसे कहते हैं ना कि मन के में नेगेटिविटी पैदा करता है कि आज पूजा में मन लगा, कल नहीं लगा, परसों लगा, फिर नहीं लगा, मतलब ऐसे रहता है। जैसे कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है पूजा करके, कभी कभी लगता है कि जैसे पूजा में दिल नहीं लग रहा, वो दिल उचट रहा है। जी आप ठीक कह रहे हैं जी। तो बेटे ये मंदिर उस घर में नहीं जाएगा, ये तो फिर नया ही आएगा। अच्छा जी। और तो एक बार मंदिर को चेक कर लेना जो लाइके आएगी कि उसमें कोई टुकड़ा ना लगा हो। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी जो जैसे हमने देवताओं की प्रतिमा रखी है वो ठीक है सब? वो सब ओके है, लेकिन याद रखना सभी प्रतिमाओं को आपने कपड़े पहनाने हैं, अच्छा गुरुजी। और खरीद के ला के कपड़े धो के फिर पहनाने हैं। और कपड़े पहनाने से क्या होता है कि हमारे घर में कृपाएं ज़्यादा आती हैं और हमारे घर में बच्चों को चोटें नहीं लगती हैं। और अगर हम प्रतिभाओं को कपड़े पहनाते हैं तो हमारे हमारे जो जानकार हैं, जो हम जहाँ तक हम देखते हैं वहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, हमारी जो इज्जत है वो बढ़ती है। और जहाँ पर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं कि कब इनकी बेइज्जती करें, कोई छोटा सा क्लू मिल जाए, अच्छा है गाड़ी ख़राब हो गई, ये हो गया, तो मतलब बेफजूल की बातें करने लगते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। यदि आपके साथ है कोई समस्या और आप समझते हैं कि समस्या आपको उलझाई जा रही है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। आपने अपने घर में दिया जलाना है रात के 9 बजे, और अगर बहुत समस्या है संतान के और इनकम के तो आपने उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, और अगर उससे भी ज़्यादा समस्या है तो आपने आसपास तुलसी के पत्ते रखने हैं। जब तुलसी के पत्ते रखेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ मन के मुताबिक हो रहा है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अरे तुम्हें दिक्कत है ना, गलती होगी साहब जी। अरे साहब जी ने एक बाघ उठाकर देख तो ले। अरे भारत तू, अरे कल तक तू साइकिल पंचर लाया करता, आज साहब क्यूकर बन गया। अरे सपना दिखावा कौन है, यो तो आशु भाई गुरु जी की ज्योतिष विज्ञान का चाड़ा से। अच्छा और तब भाई मन ने भी ना चल गुरु जी धोरा मारा भी के मैं उद्धार हो जाते। तो चल ना मेरे यार, आ जा साइकिल छोड़ दे, बैठ पाछे।